वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू लेटेस्ट वाली वीडियो। हेलो नमस्ते, मैं अमित, आपका स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। क्या आपका एयरटेल डीटीएच छतरी का रिमोट खराब हो चुका है? क्या आप जानना चाहते हो कि आप अपने मोबाइल को छतरी का रिमोट यानी एयरटेल डीटीएच का रिमोट कैसे बना सकते हो? दोस्तों, अगर आप अपना रिमोट नहीं ला पा रहे हो, अभी कोई इमरजेंसी हो और आप अभी अपने मोबाइल को रिमोट बनाना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि अगर आपके पास जो स्मार्टफोन है इसमें आप इसी को अपना रिमोट बना लो, चाहे आप चैनल को आगे पीछे करो या फिर वॉल्यूम करो या फिर स्विच ऑफ या टीवी को बंद डीटीएच को बंद या ऑन करो, तो सारा काम जो आप रिमोट से करते हो वो आप अपने स्मार्टफोन मोबाइल से कर सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप बिना कोई मार्केट से रिमोट खरीदे आप अपने ही मोबाइल को रिमोट कैसे बना सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, आज हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने मोबाइल पे आ चुके हैं। अब आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में चले जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे लिख देना है एयरटेल डीटीएच रिमोट। तो सबसे ऊपर का जो एप्लीकेशन है जिसपे लिखा हुआ है रिमोट कंट्रोल फॉर एयरटेल, तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल की हुई है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद तो इस तरीके से आपको ये जिस तरीके का आपका जैसे रिमोट है, जैसे कि अगर आपका रिमोट का पैटर्न इस तरीके से है तो आपको इस तरीके ये सिलेक्ट कर लेना है, या आपके रिमोट का पैटर्न इस तरीके से तो ये सिलेक्ट कर लेना है, अगर आपका रिमोट ऐसा है तो ये सिलेक्ट कर लेना है। अगर जो भी आपका जिस तरीके का रिमोट है तो आप ये सिलेक्ट कर ले। जैसे कि मेरा रिमोट इस तरीके का है, इस तरीके का मेरे रिमोट का इंटरफेस है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखो ये जो रिमोट है ये रिमोट आपका यहाँ पे आ चुका है। अगर आप यहाँ से जो है रिमोट पे क्लिक कर सकते हैं, ये ओके देखो यहाँ पे भी फील हो रहा है, ओके का बटन यहाँ पे दब रहा है। तो इस तरीके से ये रिमोट पूरा रिमोट आपको इस तरीके से यहाँ पे इसको ये दिखाई देगा। अगर आप यहाँ जैसे कि इस तरीके से आप यहाँ पे वॉल्यूम करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो जो भी आपको करना है वो आप यहाँ से जैसे कि चैनल सर्च वो भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल को रिमोट बना सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।